हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अच्छा स्वास्थ्य पाने के आसान और वैदिक टिप्स। दोस्तों, आज हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि आप किस प्रकार अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं व इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। आज का मनुष्य तनाव, मानसिक परेशानी आदि से ग्रसित हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह की जिंदगी जीते हुए भी आप अपने स्वास्थ्य को सही बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे हमेशा स्वस्थ रहने के वैदिक व असरदार उपाय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमेशा स्वस्थ रहने के कुछ टिप्स। टिप्स नंबर 1, तांबे के बर्तन का प्रयोग। दोस्तों, आप रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें और सुबह खाली पेट उस पानी का सेवन करें। ऐसा करने से ये आपके उच्च रक्तचाप के रोग को दूर करता है और ये पेट के लिए भी लाभकारी है। इस पानी को पीने से समस्त बीमारियां दूर होती है, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। टिप्स नंबर 2, जल्दी सोना व जल्दी उठना। दोस्तों, अगर हो सके तो रात के समय आपको जल्दी सो जाना चाहिए, जिससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे और ऐसा करने से आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। आपको सुबह भी जल्दी उठना चाहिए, जिससे आप फ्रेश महसूस करेंगे। ऐसा करने से आप पूरा दिन तनाव मुक्त रहेंगे। टिप्स नंबर 3, मॉर्निंग वॉक। आपको रोज सुबह जल्दी उठकर 1 से 2 किलोमीटर तक हरी घास पर नंगे पांव चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा और ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। टिप्स नंबर 4, सरसों के तेल की मालिश। दोस्तों, अगर आप रोज तेल मालिश नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 दिन तो अवश्य ही आपको सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। आप अपने शरीर पर तेल लगाकर थोड़ी देर धूप में बैठकर सन बाथ लें तो ऐसा करने से शरीर निरोगी रहता है। टिप्स नंबर 5, आंवले का प्रयोग। दोस्तों, रात को भोजन करने के बाद सोने से पहले आंवले के चूर्ण को पानी या शहद में मिलाकर पिएं। ऐसा करने से कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। चाहे कब्ज की समस्या कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वह भी ठीक हो जाएगी। टिप्स नंबर 6, पानी का अधिक प्रयोग। पानी एक प्राकृतिक औषधि है। प्रचुर मात्रा में शुद्ध जल के सेवन से शरीर में जमा कई तरह की बीमारियों के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पानी गुनगुना गर्म करके पिएं और जितना हो सके फ्रिज के पानी को पीने से बचें। अगर हो सके तो दिन में 8 से 10 गिलास तक पानी पिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम है। टिप्स नंबर 7, फलों का सेवन। रसीले और गिरीदार फलों का सेवन करें। संतरा, मौसम्बी, आम आदि फलों में भरपूर मात्रा के खनिज लवण तथा विटामिन सी होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये तत्व महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो इन फलों का रस निकालकर भी इनका सेवन कर सकते हैं। जितना हो सके सर्दी के मौसम में गिरीदार फलों का सेवन करें। इनको आप रात भर भिगो कर रखें व सुबह को नाश्ते से 1 घंटा पहले चाय या दूध के साथ लें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। टिप्स नंबर 8, अंकुरित अनाजों का सेवन। आप सभी को पता है कि अंकुरित अनाज सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी है। मूंग, चना, दाल, इन सभी चीज़ों का भरपूर मात्रा में सेवन करें। अगर आप अनाज को अंकुरित करेंगे तो इससे उसकी क्षमता बढ़ जाती है तथा इससे ये आसानी से पच भी जाते हैं और पौष्टिक व स्वादिष्ट भी हो जाते हैं। टिप्स नंबर 9, तुलसी का प्रयोग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि तुलसी का धार्मिक महत्व होता है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि तुलसी एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक, दर्द निवारक और रोग प्रतिरोधक भी है। रोज सुबह तुलसी के 6 से 7 पत्तों का सेवन करें। इससे आपको खुद अपने स्वास्थ्य में फर्क महसूस होगा। टिप्स नंबर 10, योग। योग व प्राणायाम हर रोज करना चाहिए। योग आपके शरीर को स्वस्थ व रोग मुक्त रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी जानकार से इन्हें सीखकर प्रतिदिन घर पर इनका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। अगर आप योग सुबह के समय करते हैं तो इससे आपका पूरा दिन फ्रेशनेस का अनुभव होगा। टिप्स नंबर 11, खुलकर हंसना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खुलकर हंसना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हंसने से आपका रक्त संचार सुचारू रूप से चलने लग जाता है। ऐसा करने से हमारा शरीर अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। टिप्स नंबर 12, खांसी जुकाम से छुटकारा। दोस्तों, अगर आप खांसी जुकाम से ज़्यादा परेशान हैं तो काली मिर्च, अदरक और तुलसी वाली चाय पिएं।
इस चाय का सेवन लगातार 5 दिन तक करने से आपका खांसी जुकाम जल्दी ही ठीक हो जाएगा। टिप्स नंबर 13, पूरी नींद लेना। दोस्तों, यह तो आप सभी को पता है कि नींद शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको अपनी नींद पूरी तरह से लेनी चाहिए। नींद कम से कम 7-8 घंटे की होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो इससे व्यक्ति चिड़चिड़ा और बेचैन हो जाता है और इसी वजह से उसको पूरे दिन कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, हमें पता है कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप अपनी नींद पूरी कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थे लंबी आयु और स्वस्थ शरीर पाने के असरदार टिप्स। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।